नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज और मैं आपके साथ ज्योति राघव। पिंक सिटी जयपुर के होटल जय पैलेस में एमएसएमई प्रमोशन काउंसलिंग प्रदेश कार्यालय राजस्थान द्वारा राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एमएसएमई प्रमोशन काउंसलिंग के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अरुण कुमार चौधरी रहे। उन्होंने आमंत्रित अतिथियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें आर्थिक विकास के साथ ही अपने व्यक्तित्व विकास पर भी ध्यान देना आवश्यक है। हमें एक दूसरे की मदद करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। काउंसलिंग के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश लोधी ने बताया कि इस कार्यक्रम में नई सदी के बदलते भारत की बदलती हुई झलक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए हैं। बता दें कि कार्यकर्ताओं के खास तौर पर देखने को मिली है। प्रदेश अध्यक्ष ने साइबर सुरक्षा को लेकर भी कई अहम तथ्य बताए हैं। काउंसलिंग के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रामनिवास मीणा ने बताया कि कार्यक्रम के समस्त जिला अध्यक्षकों को काउंसलिंग के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अरुण कुमार चौधरी की ओर से लैपटॉप वितरित किए गए हैं तथा प्रदेश अध्यक्ष मुकेश लोधी द्वारा मिनी प्रोजेक्टर वितरित किए गए हैं। आपको बता दें कि काउंसलिंग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संगठन रमेश बोहरा ने बताया कि इस सम्मेलन में प्रदेश के सभी छोटे बड़े कारोबारियों को सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय की योजना से अवगत कराया गया है। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन डॉक्टर प्रदीप कुमार द्वारा गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया गया। इसके साथ ही अपने संबोधन में केंद्र सरकार की कई योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। कार्यक्रम में एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल के प्रदेश भर से आए पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार न्यूज।